दोस्तों ये पुलिया बनाई जा रही है, देख सकते हो इसको, NH 34 को क्रॉस करवाया जाएगा। ये रेलवे लाइन यहाँ से गुजरेगी, उसी की ये फाउंडेशन का काम चल रहा है, दीवार बनाई जा रही है, इस पर ही ये ऊपर लॉन्चर डाला जाएगा। दोस्तों दिखाते हैं चल के ऊपर से आप सभी को। के लिए आपको बता दूं दोस्तों, खुर्जार से और यहाँ तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और उसी का आपको कंस्ट्रक्शन वर्क NH 34 जो कि गाजियाबाद के लाल कुआं से स्टार्ट होता है और ये दोस्तों कानपुर तक ये हाईवे जाता है। देख सकते हो अभी ये फाउंडेशन का काम किया जा रहा है दोस्तों, और इस पर ये मलावन जो बिजली प्लांट है ये उसमें रेलवे लाइन जाएगी कोयला लेकर, तो उसी पर इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये चल रहा है NH 34 हाईवे जो निकल के जा रहा है, इसको क्रॉस करेगा। देखो पहले ये बनाने बन जाने के बाद में चलते ऊपर दिखाते चल के। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, देख सकते हो कि पानी एक साइड से दूसरी साइड में जा सके, तो इसीलिए देखो यहाँ पर ये टीम लगी हुई है जो कि दिन रात काम कर रहे हैं और इसको रेलवे लाइन को बनाने के लिए जल्दी से जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगी। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा बस यही हिस्सा बचा हुआ है इसका, बाकी तो कंप्लीट सही काम हो चुका है। और ये जो मलावन है उसमें बिजली प्लांट बनाया गया है, वहीं पर ये रेलवे लाइन जाएगी कोयला भर भर के। तो आपको ऊपर से दिखाते चल के कि क्या है नज़ारे इसके। ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो, ये इतना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है जो पानी के इधर से उधर कर सके। और ये रेल के लेग्स पड़े हुए हैं जो बिछाए जाएंगे इसके ऊपर, तो काफ़ी ऊंचाई, काफ़ी हाइट पर है दोस्तों, काफ़ी ऊंचाई है इसकी। और ऊपर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं चल के। कुछ ऐसे ही है बनाया जा रहा है, ये देख सकते, काफ़ी मजबूती के साथ में बनाया जाएगा, फिर इस पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी दोस्तों। तो अभी इसकी साइड की जो फाउंडेशन वाल हैं वो बनाई जा रही हैं, ये देख सकते हो। और ये NH 34 है हाईवे दोस्तों, जो कि हमारे गाजियाबाद के लाल कुएं से स्टार्ट होता है और ये कानपुर तक चला जाता है दोस्तों। काफ़ी लंबा चौड़ा हाईवे है, 4 लेन हाईवे है। चलते हैं इसके ऊपर। लाइन बिछाई जा रही है जो कि उसका मलावन में बिजली प्लांट बनाया गया है दोस्तों, और उसी पर ये कोयला लाने के लिए और ले जाने के लिए ये रेलवे लाइन का यहाँ पर काम किया जा रहा है दोस्तों। मेरे पीछे देख सकते हो इतनी ज़मीन से और काफ़ी ऊंचाई पर ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही है दोस्तों, और रेलवे लाइन अब इस पर पटरियाँ बिछाई जाएंगी, उधर पटरियाँ बिछाने का काम भी चल रहा है। और आपको बता दूँ कि ये NH 34 पे भी ये क्रॉस करवाया जाएगा NH 34 को, तो उसी का यहाँ पर ये काम चल रहा है, देख सकते हो पीछे। और उधर देखो GCB है जो कि सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं KP संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में काफ़ी दिनों के बाद में मैं एक ऐसी अपडेट लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में, उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, जो कि उसका मलावन में बिजली प्लांट बनाया गया है, काफ़ी बड़ा बिजली प्लांट है, उसी के लिए ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। और दोस्तों ये खुर्जा से बनकर आ रही है रेलवे लाइन,
ताकि यहाँ पर कोयला प्रोवाइड करवा जा सके। तो इसी वजह से इस रेलवे लाइन का काम चल रहा है दोस्तों दिन रात। तो देख सकते हो मेरे पीछे दोस्तों, आपको बता दूं कि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वजह से ये हीट कर रहा है, तो इस वजह से बार बार बंद हो जाता। तो देख सकते हो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा किया जा रहा है यहाँ पर, जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है दोस्तों, उधर भी काम हो चुका है और उधर पीछे पटरियाँ बिछा दी जा चुकी हैं। और ये आपको बता दूं NH 34 पर इसे अंडर क्रॉस करवाया जाना है, तो जल्दी ही बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हो वो वहाँ से ट्रक आ रहा है ऊपर की साइड में, तो आपको क्योंकि ज़्यादा हैंग कर रहा है को, यहाँ पर कितनी टीम लगी हुई है देख सकते हो, इसको क्रॉस करवाया जाना है तेज़ी के साथ में, तो उसी का ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों। दोस्तों तो आप सभी ने देखा आज कि किस तरीके से इस रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। ये हमारे एटा उत्तर प्रदेश में आता है दोस्तों, एक मलावन जगह जो कि एटा से और आपका मैनपुरी रोड पर पड़ेगा, और वहां पर एक बिजली प्लांट लगाया गया है। उसी बिजली प्लांट को कोयला देने के लिए इस रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो सारा काम हो चुका है, इसमें आपको बता दूं कंक्रीट की लेयर भी पड़ चुकी है, और इसमें आपको बता दूं कि अब पटरी बिछाने का वर्क स्टार्ट हो चुका है। तो एक साइड में आप लोगों को ये गाटर देखने के लिए मिलेगा रेलवे लाइन का दोस्तों, देख सकते हो कि एक साइड में ये गाटर पड़ा हुआ है, बिछाने का काम अब किया जा रहा है दोस्तों। तो दो देख सकते हो दोनों साइडों में ये एक साइड में ट्रैक बिछा दिया जा चुका है, और एक साइड में ये पटरियां बिछाने का काम चल रहा है इस पर दिन रात तेज़ी के साथ में दोस्तों। और जो यहां से जो लाइन आ रही है वो आ रही है दोस्तों अलीगढ़ के खुर्जा से, क्योंकि खुर्जा में इसका दादरी में तो मैन प्लांट है, फिर उसके बाद में खुर्जा में भी कर दिया गया, तो खुर्जा से ही ये लाइन बनकर आ रही है। ये आपको बता दूँ एटा क्रॉस करते हुए और ये सीधी जाएगी मलावन के प्लांट में, जो बिजली घर बनाया गया है दोस्तों, बिजली वहां से प्रोवाइड की जाएगी। और उसी की दोस्तों देख सकते हो ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली ये लाइन वहीं से आ रही है।
ये लाइन वहीं से आई है, तो अभी लाइन बिछाने का भी काम चल रहा है। और उधर देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लग चुके हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसको अब कनेक्ट किया जाएगा, देख सकते हो इसके जो गाटर्स हैं वो रखे हुए हैं, उनको जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद में फिर ये इन पर रखा जाएगा दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, इधर ये लोया के लिए चला जाता है यानी कि कासगंज के लिए, और इधर ये एटा के लिए चला जाता है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ पूरी तरीके से। ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो आप लोग चैनल पर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो, और अब रेगुलर वीडियोस आप लोगों के बीच में अपडेट्स मिलते रहेंगे दोस्तों। तो आप लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के चैनल पर जाकर, और पर डे वीडियो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से।